तो पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई राज्यों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। कई पहाड़ी राज्यों में पहाड़ दरकने से रास्ते अब बंद हो चुके हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। देवास के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। राजस्थान के अलवर समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। इतना ही नहीं, कई गांव और शहर बारिश के चपेट में हैं। अलवर में एक नदी में लोग फंस गए, जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। और इधर जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। यहाँ नदी में अचानक से ही पानी आने से कई लोग उसमें फंस गए। उत्तर प्रदेश में भी बारिश और बाढ़ से हालात खराब है। आगरा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसने से अफरा तफरी मच गई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ दरकने से कई जगह रास्ते तक बंद हो चुके हैं। और राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। देखिए, आज सुबह से हो रही बारिश से सड़कों पर सैलाब आ गया। जयपुर का सीकर रोड और सुभाष चौक महल बारिश के पानी में पूरी तरह से डूब गया। कई इलाकों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इस वक्त राजस्थान में रुक रुक कर कई सारे जिले ऐसे हैं जयपुर के अलावा भी, जहां पर बारिश हो रही है। लेकिन जयपुर में भारी बारिश से कैसे हाहाकार मचा है, ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। तो ये तस्वीरें आपको राजस्थान के दिखा रहे हैं। देखिए, पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक की तस्वीरें, जहां पर बाढ़ और बारिश से लोग बेहद परेशान। जयपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ये सीकर हाउस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई सारी बसें यहीं से चलती हैं। अब आप तस्वीर में ये भी देखेंगे कि बस चालक ने जब बस को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो बीचों बीच फंस गया। जयपुर के सीकर रोड पर खड़ा हूं मैं, और ये नजर नहीं आ रही है कि सड़क कहाँ है और नदी कहाँ पर है। पूरी सड़क नदी बन चुकी है, जल भराव की स्थिति है सीकर रोड पर। और ये तस्वीरें देख रहे हैं कि मेरे कैमरा पर्सन मनीष आपको तस्वीरें दिखाएगा, सीकर रोड किस तरीके से पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, और जहाँ नजर दौड़ाएंगे वहीं सैलाब नजर आएगा बहता हुआ। सड़क पर पानी किस तरीके से बह रहा है, सैलाब बनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां फंसी पड़ी है, लोग मुश्किल में नजर आ रहे हैं। जहां देखेंगे बीच में आप देखिए कि ये यहां पर क्रेन आ चुकी है, और यहां कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो बिल्कुल पानी के अंदर फंस गई है उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। काफी आगे बसें नजर आएगी, ये क्रेन की तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है, बीच में फंसी हुई गाड़ियों को निकाला जा रहा है। तो उत्तराखंड के कई इलाके भारी बारिश की वजह से पूरी तरह से बेहाल हैं। कोटद्वार में आपदा जैसे हालात इस वक्त बन चुके हैं। देखिए, कोटद्वार के आम पड़ाव, कौड़िया, बस्ती समेत कई इलाकों में पानी घुसने से लोग बेहद परेशान हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया, घरों में मलबा आने से भी लोग डरे हुए हैं। एक जगह आर्मी कैंप को जोड़ने वाला पुल ही टूट गया है। कोटद्वार में पनियाली गदेरा नदी में जलस्तर बढ़ गया। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पिछले साल गदेरा नदी ने इलाके में जमकर तबाही भी मचाई थी। बाढ़ में 5 लोगों की मौत हो गई थी, और उसके बाद की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल देखिए हालात वर्तमान में किस तरीके के बने हुए हैं। तो ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। आसमानी आफत कैसे बरस रही है, एक तरफ बारिश से लोग परेशान है, दूसरी तरफ आप देखिए मलबा आने से रास्ते बंद हो चुके हैं। कई ऐसे गाँव जहाँ से संपर्क भी टूट चुका है। और इधर तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, तेलंगाना के कोटागुड़म जिले में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और इधर बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नदी के किनारे बसे गाँव के लोगों को अलर्ट कर दिया है, और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने की तैयारी लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है कि नदी नालों से लोग दूर रहें, लेकिन ऐसे में कई ऐसी सड़कें हैं, कई ऐसे घर हैं जो पूरी तरीके से डूब चुके हैं, और जो किनारे बसे हुए लोग हैं उनके लिए ज्यादा खतरा है। और यही कारण है कि प्रशासन की कोशिश यही है उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर तब तक के लिए जरूर ले जाया जाए जब तक कि ये आफत कम नहीं हो जाती। तेलंगाना में भी हूबहू वही तस्वीर है जो देश के अलग अलग राज्यों की नजर आ रही है। और तेलंगाना के बाद आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद रायपुर के ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया है, सड़कों पर पानी भर गया और लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। पानी भरने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
जो तस्वीरें वहां से सामने आई है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये सड़कें कहाँ है देखना भी मुश्किल है, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सैलाब आ चुका है, पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि पैदल चलना तो आप अब छोड़िए, लोगों के घरों तक में भी कैसे पानी घुसा है इस तस्वीर को देखकर समझिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने। एराई डैम में पानी छोड़ा जाने के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया, घर का सामान पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर पंचगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, नदी के पानी से कई गांव डूब गए, प्रशासन ने कई गांव के एहतियातन खाली कराया। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, सुबह से हो रही बारिश से सड़कों पर सैलाब आ गया, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी, बारिश के बाद कई गांव में बरसाती नाले उफान पर है, कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। उत्तराखंड के चमोली में सड़क पर आया पहाड़ का मलबा, लगातार हो रही बारिश के बाद जमीन खिसकी, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से मलबा हटाने का काम जारी। उत्तर प्रदेश के आगरा में भारी बारिश के बाद कई गांव में पानी भर गया, सड़कों पर पानी जाने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई, लोगों को गंदे पानी से होने वाली बीमारियों का डर सता रहा है। राजस्थान के अलवर में भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया, सड़कों पर नदियां बहने लगी, सड़क पर भरे पानी की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बाढ़ से कई गांव चपेट में आ गए, किन्नौर के पास से गुजरने वाले 5 राष्ट्रीय राजमार्ग सैलाब आने की वजह से बंद हो गए, रास्ता बंद होने से लोग बेहद परेशान। मध्य प्रदेश के देवास में तेज बारिश के चलते कालीसिंध नदी उफान पर आ चुकी है, नदी का रपटा पार करते हुए एक युवक बाइक सहित बह गया, हालांकि रपटे पर खड़े लोगों ने युवक को बचा लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया, बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, गाड़ियां सैलाब में फंस गईं।